कोरोना जैसे असाध्य रोग आगे और आएंगे। पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज, शाकाहार, सदाचार और आध्यात्मवाद की शिक्षा देने वाले पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने 21 अगस्त को अपने जय गुरुदेव आश्रम उज्जैन से भारत और नेपाल की संगत को ऑनलाइन संदेश देते हुए बताया कि कर्मों की सजा सबको मिलती है, उससे कोई बच नहीं पाया। महाराज जी ने फरमाया कि आपको पहले चेतावनी दी गई कि आगे बीमारियां बहुत बढ़ेंगी, असाध्य रोग आएंगे, जल्द ठीक नहीं होंगे, तो खराब समय की शुरुआत हो गई है। इसलिए इस बेहद खराब समय को प्रेमियों बहुत सावधानी से पार करना है। प्रेमियों, बराबर अपने घर को याद रखो और अपने घर जाने का जो रास्ता आपको गुरु महाराज ने दिया है उस रास्ते पर चलो। जो भी सुमिरन, ध्यान और भजन गुरु महाराज ने आपको करने के लिए बताया, गुरु महाराज के जाने के बाद जो नामदान लियो हो आप लोगों को बताया गया, तो आप उसको बराबर करते रहो। सुमिरन, ध्यान और भजन रोज करने का नियम बना लो, आदत आप लोग डाल लो, संकट इससे कटेंगे, इससे जो कर्म है वो कटेंगे, और नहीं तो कर्मों की सजा से कोई बच नहीं पाया, कर्मों की सजा मिलेगी। देखो, बराबर आप लोगों को चेतावनी गुरु महाराज देते रहे, गुरु महाराज के जाने के बाद आपको चेतावनी मिलती रही कि बीमारियां बहुत बढ़ेंगी, असाध्य रोग आएंगे, जल्दी ठीक नहीं होंगे, तो शुरुआत हो गई, कोरोना जैसे रोग की शुरुआत हो गई। इस तरह के अभी बहुत रोग आएंगे, इसके अलावा भी जिन रोगों को आप समझते हो, सर्दी जुकाम को, खांसी को, बुखार को, दस्त को, जिसको आप समझते हो, अपच को, उल्टी को, ये सब बीमारियां बढ़ेंगी। घर घर यह समस्या आ सकती है, इसलिए बहुत ही संभाल करके चलना है। समझ लो कि जैसे रास्ते में अंगारे पड़े हुए हैं। अब अगर सावधानी नहीं रखोगे, सावधानी से रास्ता नहीं चलोगे, पार नहीं हो पाओगे, जल जाओगे, पैर में आग लग जाएगी, अंगारे आपके पैर से छू जाएंगे, फफोले पड़ जाएंगे, दर्द बढ़ जाएगा, घाव बन जाएगा। कभी तो ऐसी भी स्थिति आती है कि जहाँ घाव बन जाता है, जल्दी ठीक नहीं होता है, काटना पड़ता है उतना हिस्सा। इसलिए बहुत ही सावधानी से खराब समय को प्रेमियों पार करना है और लोगों को कराना है। जय गुरुदेव। पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज।